14 और 15 रुपए किलो है, चीनी की कमी नहीं है। मेरे पास 450 क्विंटल चीनी, 450,000 क्विंटल चीनी पड़ी है। अब इनका बाजार में भाव 14 या 15 रुपए है। मैं आज पेशकश करता हूँ दिल्ली की सरकार को कि मैं 6.5 रुपए पूरी किलो दे रहा हूँ, तुम लोगों को तकसीम कर दो या देवी एक्साइज ड्यूटी से मुझसे मुस्तस्ना कर दो। मैं उसके साथ साथ एक ऐलान और करता हूँ, मैं बेवाओं को पेंशन, अपंगों को पेंशन देता हूँ, बूढ़े और बूढ़ियों को समान पेंशन देता हूँ। लेकिन एक चीज मेरे सामने है कि बेचारे हरिजन लड़की या हरिजन औरत के कोई बच्चा पैदा हो, खाने को खुराक नहीं, वो कैसे बच्चे इस परवरिश करे। इसलिए आज ऐलान करता हूँ कि हर हरिजन के बच्चा पैदा होगा उसे 300 रुपए उसके खुराक के लिए, और दूसरा बच्चा पैदा होगा 300 फिर, लेकिन 2 से आगे जाए तो फिर उस सूरत में फैमिली प्लानिंग रिकॉर्ड बनती है। इसलिए 2 बच्चों तक 300 रुपए फी बच्चा के हिसाब से, ताकि उसे अच्छी खुराक मिल सके, मैं देने को तैयार हूँ। किसानों के कर्जा मिलता है ना, उसके दूसरे झगड़े हो तो उन्हें पता रहता है इसकी पोजीशन क्या है। इसलिए मैं हरियाणा में किसान बुक बनाने का ऐलान करता हूँ, ताकि कहीं जाए कर्जा दे तो किताब दिखाओ, उसी सूरत में उन्हें मिल जाएगा। मैं उसके साथ साथ गन्ने का भाव कह चुका, चीनी का भाव कह चुका, और उसके अलावा 300 बाहर हरिजन बच्चा पहला उसे 2 दबा दूंगा, और उसके साथ किसानों के लिए पासबुक का भी ऐलान करता हूँ। ये सोचने के बाद एक चीज मैं और कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो किसानों से ताल्लुक रखते हैं, किसान यूनियन पंजाब में भी है, मध्य प्रदेश और आंध्र में, महाराष्ट्र में भी है, यूपी में भी है। मैं किसान यूनियन की सारी मांगों को सही समझता हूँ, लेकिन वो जो अपने आप को है राजनीति कहते हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल है, राजनीति से हमारा कोई वास्ता, तो राजनीति तो करें राजीव और कांग्रेस, हम तो मांग करते रहे। मैं राजनीति में हिस्सा लेने के लिए कहता हूँ, किसान को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि वो भिखमंगे ना हो, राजमारे बन जाएं। ये मैं किसानों को ये राय देता हूँ अपनी तरफ से। ये कह करके मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के सामने खड़ी है वो पार्लियामेंट दिखाई देती है। हमारे 106 पार्लियामेंट के मेंबरों ने इस्तीफा दे दिया हरियाणा में, तो हमने उनको सम्मान करने के लिए एक वोट एक नोट के हिसाब से किसी को 4,21,000 रुपया, किसी को 4,18,000 रुपया। अभी परसों में गया हूँ रिवाड़ी में, राव वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया, उन्होंने एक जीप और 25,000 रुपया नकद दे के आया हूँ। तो ये सारे सूबों में ये करना चाहिए। 5 साल तक कांग्रेस को गाड़ियां देते हो, लेकिन जब वोट का वक्त आता 5 साल के बाद तो कहते तो बेचारे की मां मर गई, दे दो वोट। अब 500 सुख, इसलिए ये गलती ना करना, ये गलती तो नहीं करोगे, तो